हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास को जो है अगर आप पूरा देख लिए तो आपके हिंदी की परीक्षा में जो है 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएगी। और कहेंगे क्यों सर, तो आवेदन पत्र जो है लिखने के लिए जो है आपके परीक्षा में कंफर्म है कि आता है। आवेदन पत्र या तो प्रधानाचार्य मतलब कि हेडमास्टर के पास लिखने के लिए आता है, या तो मुख्यमंत्री के पास लिखने के लिए आता है, या आपको कभी कभी जो है जरूरत पड़ता होगा कि थाना में आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, बिजली ऑफिस के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो आज के इस क्लास के माध्यम से जो है परीक्षा में तो 5 नंबर कन्फर्मे है, और आप जो है आवेदन पत्र को जो है लिखना सीख जाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे तो आप तनी दोस्त को सिखा दीजिएगा, उसके बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए आज की इस जो है बेहतर क्लास को शुरू करते हैं। हम जो है क्वेश्चन लिखे हैं, आई क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, का है तो अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। यानी कि 2-4 दिन जब आप नहीं गए हैं स्कूल में पढ़े तो जो फाइन लगता है उसको माफ करवाने के लिए जो है आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में लिखल रहता है अथवा में कि एगो किसी के पास पत्र लिखें, चाहे बहन के पास, भाई के पास या पिताजी के पास। तो इसमें भी लिखल है कि अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। यानी मेरा भाई का शादी है, उसमें जो है शामिल होने के लिए हम अपने मित्र को जो है एगो पत्र लिखेंगे। तो ये दोनों में से सबसे पहले जो है आप पूछेंगे कि सर किसको बनाना चाहिए। तो हमर जो है डिसीजन है कि हम लोग जो है आवेदन पत्र को बनाएंगे। आवेदन पत्र काहे बनाएंगे, इसके पीछे भी रीजन है। जब आप आवेदन पत्र बनाते हैं तो एगो सिंगल पेज में जो है लिखते हैं, और जब एगो सिंगल पेज में लिखते हैं तो ज़्यादा जो है इफेक्टिव लगता है। दूसरी कि जब आप आवेदन पत्र बनाते हैं तो आपका प्रैक्टिस होता है, और आपको कभी थाना में ज़रूरत पड़ जाए, बिजली ऑफिस में ज़रूरत पड़ जाए, मुख्यमंत्री के पास लिखने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो आवेदन पत्र ही लिखना होता है, पत्र नहीं लिखना होता है। इसीलिए आपको जो है आवेदन पत्र जो है लिखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में जो है हम आवेदन पत्र आपको जो है ना इतना बउआ की तरह समझाएंगे कि आप कभी जीवन में जो है भूल नहीं पाएंगे, यकीन रखिएगा। और हम एगो क्वेश्चन पे लिखवाएंगे, और आपके लिए हमने 20 क्वेश्चंस जो है तैयार किए हैं, और उन क्वेश्चन को अपने हाथ से जो है सॉल्यूशन भी किए हैं। यानी 20 वो आवेदन पत्र लिख के हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। कहाँ मिलेगा आपको मालूम है, कहाँ मिलेगा नहीं मालूम है तो वीडियो देखिए, बाद में बताते हैं। चलिए ये सब जो है अब क्वेश्चन देख लिए कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। आ ये जो है आपके हिंदी सब्जेक्टिव का 3रा क्वेश्चन होता है। पहला में निबंध लिखेला होता है, जो आपको ऑलरेडी हम 13 निबंध बता चुके हैं, आपके जो है कोर्स में भी डाल दिया गया है। दूसरा में होता है सौ प्रसंग व्याख्या करने वाला, वो जो है हम आपको जो है ऑलरेडी दे चुके हैं कि कौन कौन जो है इस बार इम्पॉर्टेंट है सौ प्रसंग व्याख्या करने वाला। तीसरा था आवेदन पत्र, इसमें भी जो है हम आपको 20 को क्वेश्चन पे जो है लगातार जो है आंसर लिख के जो है आपको दिए हैं अपन भाषा में बउआ के तरह, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पहले सीख लीजिए, उसके बाद उस पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए अब जो है ये सब के लिखेंगे कैसे, तो हम एगो जो है सबसे पहले एगो नया पेज लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने के परीक्षा में कैसे नया पेज लेंगे, तो आपको एकदम सिंगल पेज में जो है आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। और आवेदन पत्र लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या दे देंगे, प्रश्न संख्या कितना था 3 था, और उसके नीचे जो है हमने के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन उतारे लगिएगा, क्वेश्चन नहीं उतारना है, प्रश्न संख्या दे दिए समझ गया जो है जो भी जो है कॉपी चेक करेंगे, और उसके नीचे जो है आपको उत्तर लिख देना है, उत्तर। अब इसमें लिखना है तो आवेदन पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमने के क्या लिखते हैं, तो आइए तनी समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, सेवा में लिख दिए, सेवा में इतना लिख दिए सर, बहुत बढ़िया।
एक और नीचे से पैराग्राफ चेंज करना है आ यहां पे लिखना है सेवा में श्रीमान, ठीक है सर, श्रीमान आप लिखें। अब क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में किसके पास लिखने के लिए कहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है अपने प्रधानाचार्य, यानी कि प्रधानाचार्य के पास कहा है। अगर ये जब प्रधानाचार्य के जगह हेडमास्टर लिखल रहता, श्रीमान के बाद हम हेडमास्टर लिखते, अगर जो है प्रधानाचार्य के जगह प्रधानाध्यापक लिखल रहता, हम जो है श्रीमान के बाद प्रधानाध्यापक लिखते, अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री लिखल रहता, श्रीमान के बाद मुख्यमंत्री लिखते, अगर थाना में लिखना होता तो श्रीमान के बाद थाना अध्यक्ष लिखते। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तब यहाँ पे हमने के का लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री लिखते, हेडमास्टर रहता हेडमास्टर लिखते। अब कहेंगे सर सबका तो मतलब एक के होता है, नहीं, क्वेश्चन के अनुसार आपको जो है लिखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है हमने के लिखेंगे महोदय, ठीक है सर, महोदय। इस ई जो है सेवा में श्रीमान, कहीं भी आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं इतना लिखेला है। आ ई जो है जिसके पास लिखना होता है वो लिखते हैं हमने के, महोदय भी सब में लिखाता है। अब देखिए अब ये प्रधानाचार्य महोदय हैं तो कहीं स्कूल के होंगे, प्रधानाध्यापक स्कूल के होता है, तो स्कूल के अपन जो है आप नाम लिख दीजिए। हम लिख दिए यहाँ पे ए एन कॉलेज, हम लिख दिए ए एन कॉलेज, ए एन कॉलेज पटना, ठीक है। ए एन कॉलेज, एन कॉलेज कहाँ है, पटना में है, तो पटना यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे जो है ये बिहार, ठीक है सर। अब जो है हम लिख दिए, आपको भी क्या करना है कि आपको जो है अपन स्कूल के नाम लिखेला है, अपन स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे, परीक्षा में आप जाएंगे क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम और उस स्कूल का जो है नीचे एड्रेस लिखेंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एगो एग्जाम्पल बताइए, अगर ये जब मुख्यमंत्री रहता, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, तब ये जब क्या लिखते हैं, तब मुख्यमंत्री जी जो हैं ओकर उनकर एड्रेस लिखते हैं आ उनका नीचे जो है पटना बिहार लिख देते हैं। बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगर ये जब थाना अध्यक्ष रहता तो थाना अध्यक्ष थाना कहाँ पर है वो पूरा एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमने के लिखते हैं विषय, विषय आपको मालूम है सर क्या होता है, विषय, विषय जो होता है कि आखिर आप किस चीज के लिए जो है इसको आप लिख रहे हैं, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में वो प्रश्न आया है कि सर ये विषय जो है कहाँ से मिलेगा, ये तनी हमको बता दीजिए। तब विषय जो है आपको आपके क्वेश्चन से ही मिलते हैं। अब कहेंगे कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सर क्वेश्चन में ही रहता है अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, इतना क्वेश्चन हो गया, जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। काहेला काहेला, तो अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो, रीजन बता दिया। तो यहाँ पे विषय में हम वह लिखेंगे कि अनुपस्थिति, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है, लिख दिए सर माफ करने हेतु। अब मान के चलिए आप जो हैं कहीं पे थाना अध्यक्ष में, थाना के पास, थाना में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे। थाना में जब हमने के लिखते हैं तो आपको रीजन बताना होता है, थाना पूछेगा कि काहेला आप जो है आए हैं केस करे, तो आपको रीजन बताएं, तो वही विषय होता है। आप बिजली ऑफिस में जाएंगे, काहेला जाएंगे, तो आपका लाइन कट गया, मीटर खराब हो गया, काहेला, तो वो विषय में आप लिखेंगे। आप जो है बैंक में गए तो बैंक में एटीएम के पिन भुलाया कि एटीएम भुला गया कि बंद हो गया है खाता, वो सब आप विषय में ही लिखेंगे। बातें आपको समझ में आ रही है ना सर? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। तो इतना तो आप सीख गए। अब जो है अब हिजा से हमने के लिखते हैं महाशय। अब देखिए हिजा तनी मनी लेकिन गलती क्या करता है, इसको
इसको कहीं पे लिखेगा, इसको कहीं पे लिख देगा, इसको कहीं पे। ये जो है सेवा में विषय सब सीधा चलना चाहिए, सीधा टेढ़ाट बाकुल नहीं रहना चाहिए। बातें आपको समझ में आ रही है? सेवा में के एकदम सीधा होना चाहिए विषय, महाशय, ठीक है। आ ये सब जो है एकर पैराग्राफ चेंज करके होना चाहिए। ये सब जो है आपका जो है जो भी कॉपी चेक करते हैं वो आपका ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए महाशय लिख दिए, महाशय लिखने के बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए सविनय सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, यह है कि। बस इतना तो सब में लिख ही ला है, आप कहीं भी लिखिए एप्लीकेशन, इतना तो सब में लिखे ला है, ठीक है। जब इतना आप लिख दिए सर तो अब आपको जो है बताना होता है, ठीक है। क्या बताना होता है? तो सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपन नाम लिखिए, मैं सन्नी कुमार, अपन नाम लिखना सब, ठीक नो, इन्हें के हमारे नाम लिख देना, मैं सन्नी कुमार वर्ग, वर्ग कौन से वर्ग में है आप? ट्वेल्थ में है कि नहीं? तो बारहवीं लिखेंगे, मैं सनी कुमार बारहवीं कक्षा का छात्र हूँ, बारहवीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्र हूँ, ठीक है, छात्र हूँ। इतना आप लिख दिए सर, आप कहेंगे कि एकदम लिख दिए, इतना में कुछ करेला है, अपन नामों तो लिखे आता होगा ना सर, इतना तो लिख दें, बारहवीं कक्षा का छात्र हूँ। अगर मान के चलिए हम कहीं और लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हमको जो है खाता बंद हो गया है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार, आप खाता संख्या, वर्ग के जगह का लिखेंगे खाता संख्या, आपके बैंक का ग्राहक हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हम लिखें सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार वर्ग बारहवीं कक्षा का छात्र हूँ। सर मैं बीमार होने के कारण, मैं बीमार होने के कारण अब जो है जिसे हम बीमार हो गए, ठीक है, तब बीमार होने के कारण एक सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सका, विद्यालय नहीं आ सका, ठीक है, नहीं आ सका, अतः नहीं आ सका, इतना लिख दिए। फिर अब पैराग्राफ आपको चेंज करना है, ठीक है, अतः अच्छा है, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं? सर मैं बीमार होने के कारण इतना तारीख से लेके इतना तारीख के बीच में विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा अब जो है हमारे नीचे पेज नहीं है, लेकिन आपको एक के पेज में लिखे लाए हम, बड़का बड़का लिखे हैं ये आपको दिखाने के लिए। तब आगे अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा, ठीक है, आप हमारा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कर दें। कोनो कोनो लिख देता है कि माफ कीजिएगा, अरे आप उसको धमकी दे रहे हैं, नहीं, आपको जो है रिक्वेस्ट करना है, पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट करना है, तो माफ कर दें। अब लिखेंगे फिर मैं एक गरीब छात्र हूँ। आपको ये भी बताना है कि आप जो हैं एगो गरीब छात्र हैं, जिसके कारण आप जो हैं पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे में कहाँ हैं, तेज हैं। तो इतना आप लिख देंगे। अब इतना जब आप लिख देंगे सर, हमरा ये बताइए
कौन ऐसा जो है पागल मास्टर होगा जो आपका नंबर काटेगा, नहीं काटेगा ना। इतना बढ़िया से आप सजा के लिख रहे हैं, पैराग्राफ आप छोड़ रहे हैं जिससे मास्टर को इफेक्टिव लग रहा है कि नहीं लड़का में समझदारी है। तो इतना जब आप लिख देंगे, यहाँ तक आप लिख दिए, मैं एक गरीब छात्र हूँ पर मेधावी हूँ, ठीक है। अब जो है इतना लिख दिए, हाँ अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, देखिए क्या है, अतः अतः मेरा दंड शुल्क माफ कर, दंड शुल्क माफ कर परम यश का भागी बने, माफ कर परम यश का भागी बने, परम यश का भागी बने, ठीक है। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप लिखेंगे जिसे आओ जो है मज़ा आना चाहिए, ठीक है। परम यश का भागी बने, इतना लिख दिए। अब जो है देखिए हमने के शुरुआत कहाँ से किए थे, ई कोना पर से, आ अंत हमने के जब करेंगे सर अंत, तो अंत जो है हमने के यहाँ पे करेंगे आपका विश्वासी का। तो अगर आप लड़का हैं तो छात्र लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे, आपका विश्वासी छात्र, हम लड़का हैं कि नहीं। एजा पे जो है नाम अपन लिखेंगे, नाम लिखने के बाद जो है वर्ग लिखेंगे, वर्ग के बाद जो है क्रमांक जिसे आप रोल नंबर बोलते हैं बस, और यहाँ पे जो है आप विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, आ नहीं तो यहाँ पे अब जो है लिख दीजिए दिनांक, अब बात हो गया खत्म। और इसको जो है ऐसे रॉ एगो पार दीजिए बड़का चाके। देखिए तो अब जो है आवेदन पत्र कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सेम। अगर ये प्रधानाचार्य नहीं रहते, अगर आपको बैंक में लिखना होता है, बैंक के एजा नाम लिखते, एजा जो है बैंक के क्या लिखते हैं, शाखा प्रबंधक महोदय प्रधानाचार्य के जगह, एजा बैंक के नाम लिखते हैं, एजा बैंक के एड्रेस लिखते हैं, विषय लिखते हैं कि अमर जो है खाता ब्लॉक हो गया है, उसके जो भी आपका रीजन था वो लिखते हैं। सविनय निवेदन यह है कि अपन नाम लिखते हैं, वर्ग के जगह खाता संख्या लिखते हैं, कारण बताते हैं कि आपका जो है खाता काहे ब्लॉक हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है सब कारण बताने के बाद ये लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं कि अतः जो है मेरी मदद करके आप परम यश का भागी बने, और यहाँ पर आपका विश्वासी छात्र स्कूल में है लेकिन उसके यहाँ कहाँ है, तो ग्राहक हैं, तो आपका विश्वासी ग्राहक, नाम लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, उसके बाद जो है का पिन कोड होता है जो भी होता है वो आप लिख देंगे, दिनांक लिख दें, ओकरा बाद खेला खत्म हो जाता है। तो अप्लीकेशन जो है लिखना आसान था, ऐसे जैसे जैसे हम आपको बताए हैं एकदम वैसे वैसे फॉलो करके आपको जो है हम 20 गो क्वेश्चन लिखवाए हैं सर, के गो 20 गो क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। आप 20 क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है अगर आप हिंदी के कोर्स लिए हैं तो आपको जो है मिलवे करेगा, लेकिन आप नहीं लिए हैं तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए जो है 299 रुपया लगता है, ठीक है। अगर आप जो हैं आर्ट्स के हैं और आर्ट्स के पूरे सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स लेते हैं तो आपको जो है 499 देना होता है। और अगर आप जो है साइंस के हैं और साइंस के पूरे क्रैश कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है 499 देना होता है, ठीक है। ये आप जो हैं आपको अच्छा लगेगा तब भी लेना है। आप मेरे बारे में पहले किन्हीं से पूछ लीजिएगा कि इनका पिछले साल का रिकॉर्ड का है, रिजल्ट कैसा होता है, आप अपन गाँव के लड़का से जो भी आपको लगे उससे पूछ लीजिएगा, फिर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आप सीखे होंगे, तो इस 20 क्वेश्चन का जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। हम आंसर भी लिख दिए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन से जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, ओकरा बाद अपने से लिखेंगे और उसको मिलाएंगे कि कितना सही आप लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, आप सीखे हैं तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।